A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 3, and it is the third part of this chapter. Today topic is ionization enthalpy. A quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. एक isolated gaseous atoms के outermost में से एक electron को बाहर निकालने के लिए हमें जितनी energy की requirement होती है वो उस element की ionization enthalpy कहलाती है. In its the ground state, in order words, the first ionization enthalpy for an element X is the enthalpy change del H for the reaction X in a gaseous state is convert to the X plus ion the electron in negative ion. यानी कि हमारे पास एक element है X जो कि gaseous state के अंदर है, इसमें से एक electron को बाहर निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है. और आफ्टर दिस रिएक्शन जो एलिमेंट है वो एक्स प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ हमने शो किया है कि ये यहाँ से निकल रहे हैं. द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल मोल माइनस वन. We can define the second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bound electron. Ionization enthalpy का जो मान है वो और ज़्यादा होता है जब second electron को निकालना हो, यानी वही हमारे पास में जो एलिमेंट एक्स है वही है गैसेस स्टेट के अंदर है, और यदि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है उसके बाद में सेकंड इलेक्ट्रॉन यदि हम उसमें से निकालते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो मान है वो ज़्यादा होगा. एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, द हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा एनर्जी को हमेशा एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है. द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर दैन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज आयन देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम. In the same way, the third ionization enthalpy will be higher than the second and so on. The term ionization enthalpy is not qualified, it taken as a first ionization enthalpy. यहाँ पर यह बताया गया है कि जितनी बार इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, यानी कि फर्स्ट आयन जितनी बार हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो हर बार में हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, और पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत हुई है सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी. ठीक ऐसे ही यदि हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान और ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर देखिए हमने ग्राफ के अंदर आपको शो किया गया है, नीचे एटॉमिक नंबर शो करे हैं ओ एक्स पे एंड ओ वाई पे हमने जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको बताया है. तो यहाँ पे हीलियम की देखिए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन और सभी एलिमेंट्स की तुलना में इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कि इनका आउटर मोस्ट जो है वो कम्प्लीटली फिल है. यदि हम बात हीलियम की करें तो न्यूक्लियस के जस्ट पास में ही दो इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली फिल है, नोबल गैस कहलाया है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसीलिए द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम इज़ ग्रेटर देन कंपैरेटिवली अदर इलेक्ट्रॉन. नाउ द नेक्स्ट इज एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हिज आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर दैन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी हमने स्टडी कर लिया कि जो सेकेंड और थर्ड जो होंगे फर्स्ट की तुलना में सेकेंड की वैल्यू ज़्यादा होगी और सेकेंड की तुलना में जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान ज़्यादा होगा.
नाउ अब एक टॉपिक है हमारे पास में, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट. इट मल्टी इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एंड दे डू नॉट एक्सपीरियंसेस अ फुल पॉजिटिव चार्ज इज दे आर अ शील्डेड और स्क्रीन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ऐसा होता है कि जब आउटर मोस्ट के अंदर जो अदर जो ऑर्बिट्स हैं उनके अदर शेल्स जो हैं जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस से आ रहा है वो लास्ट तक जो है वो उतनी मात्रा में नहीं पहुँच पाता जितना कि पहुँचना चाहिए. वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड कर देते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ. इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं. इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट द आउटर मोस्ट शेल एंड दे डू नॉट एक्सपीरियंसेस अ फुल पॉजिटिव चार्जेस हेंस दे आर शील्डेड और स्क्रीन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. फॉर द एग्जांपल इन द सेम सबशेल द पी इलेक्ट्रॉन विल गेट द शील्डेड अवे बाय द एस इलेक्ट्रॉन एंड द पी इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड हिज इट डज नॉट एक्सपीरियंसेस अ कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज. Ionization and the atomic radius are the created in a two ways, the attraction of the electron towards the nucleus and the repulsion of the electron from each other. तो ये बात हमने 9th standard के अंदर भी study किया है. बेटी nucleus जो है वहीं से हमें positive charge मिल रहा है तो वहाँ पर एक attraction force work कर रहा है nucleus और electron के बीच में, ठीक है. दूसरा जो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर हमने फिल किए हैं, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है. रिपल्शन क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है. जितने भी इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर हैं वो सब क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं. तो यदि हम बात करें कि के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, एल में हैं, देन एम में हैं, तो एल और एम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है तो वो कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा पास में, तो उन वहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में नेगेटिव नेगेटिव आयन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है. तो दो तरह के वहाँ पे हमें जो फोर्सेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं. पहला हमें अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिल रहा है और दूसरा हमें रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर देखने को मिल रहा है. द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द शील्डिंग ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवनिंग कोर इलेक्ट्रॉन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमलाइज. 25 इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम इज शील्डेड अवे. द 25 इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन. जो एनोमलाइज की हम लोग बात करते हैं, जो 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, yes, anomalies, 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम इज शील्डेड अवे. यदि लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3 होता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को जो फिल किया जाता है लिथियम में वो किस तरीके से फिल करते हैं. सी न्यूक्लियस हियर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे. देन इस तरीके से ये शो होगा. सो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें हमने यहाँ पे शो कर दिया और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, इस तरीके से, है ना, इसके सेंटर में नहीं जाएगा. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि द 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ द 1s इलेक्ट्रॉन. एज अ रिजल्ट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ नॉट अ नेट पॉजिटिव चार्ज विच इज लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑफ +3. इन जनरल द शील्डिंग इज effective when the orbitals in the inner shell are completely filled. यहाँ पर ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जो shielding effect है तभी ज़्यादा कारगर होता है या इसका मान तभी ज़्यादा होता है जब inner shell जो होंगे वो completely filled होते हैं. This situation occurs in the case of the alkali metals which have a single outermost ns electron predicted by a noble gas electronic configuration. तो जो एल्कलाइन मेटल्स हैं यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर लॉट ऑफ द केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करके नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त कर लेते हैं.
When we move the lithium to fluorine across the second period, successive electrons are added to orbitals in the same principle quantum level, and the shielding of the nuclear charge by the inner case of the electron does not increase very much to compare for the increased attraction of the electron to the nucleus. Thus, across a period, increasing nuclear charge outweighs the shielding. Consequently, the outermost electrons are held more and the more tightly, and the ionization enthalpy increase across the period. As we go down to the group, यदि हम group में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, the outermost electron being increased further from the nucleus. जो outermost electron है, वो nucleus से उसकी जो दूरी है, वो group में ऊपर से नीचे की तरफ आते आते बढ़ती जाती है. There is an increased shielding of the nuclear charge by the electron in the inner level. In this case, increase in shielding outweighs the increasing nuclear charge, and the removal of the outermost electron requires less energy down a group. It is easier to remove 2p electron of boron than 2s electron of the barium. So, अब ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों है कि बोरॉन के 2p इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान है बजाय कि 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेरिलियम. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन द बेरिलियम थ्रू द फॉर्मर एज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज. व्हेन वी कंसिडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एज S electron is attracted to the nucleus more than P electron. In beryllium, the electron removed during the ionization is an S electron, whereas the electron removed during the ionization of the boron is a P electron. The penetrations of the 2s electron to the nucleus is more than that a 2p electron. Hence, the 2p electron of the boron is more shielded from the nucleus by the inner core of the electron than the 2s electron of the beryllium. Therefore, it is easier to remove the 2p electron from boron compared to the removal of the 2s electron from beryllium. Thus, boron has a smaller फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम. जो बोरॉन जो होता है उसकी जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है वो बेरिलियम की तुलना के अंदर कम होती है. थोड़ी सी ही एनर्जी देने के ऊपर जो 2p इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है एज अ कंपैरेटिवली टू द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेरिलियम. क्योंकि 2s के अंदर क्या होगा बेटा, वहाँ पे पेयर फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है. फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन. जो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है उसका मान नाइट्रोजन की तुलना में कम होता है. द स्मॉलर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू नाइट्रोजन द अराइसेस बिकॉज इन द नाइट्रोजन एटम 3 2p इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन अ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो नाइट्रोजन है उसके अंदर जो 2p इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट 3 पार्ट्स के अंदर है. p वाले में 2 ऑफ द 4 2p इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑक्यूपाई द सेम 2p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. कंसिक्वेंटली इट इज ईजियर टू रिमूव द 4th 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन दैन इट इज द रिमूव वन ऑफ द 3 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन. अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है ऑक्सीजन के अंदर, जिसकी वजह से उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो नाइट्रोजन की तुलना में कम होती है. अब इसी पे बेसिस जो है कुछ क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किए गए हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक आई विल बी एक्सप्लेन टू यू द 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.